दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग FRP अनलॉक करने के लिए। मान के चलिए कोई भी ऑनलाइन वाला सेट है सैमसंग का, उसे आप मार्केट में अनलॉक करवाते हैं तो आप खुद भी अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टूल है मगमा टूल, ठीक है। तो इस टूल को आप डाउनलोड करेंगे तो ये टूल बिल्कुल डाउनलोड बिल्कुल फ्री में होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये टूल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं ये टूल है, ठीक है। इसे मैंने डाउनलोड किया था, इसे मैंने रजिस्टर भी कर लिया था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना होगा और यहाँ पे अपना मनपसंद जो है पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये जो है रजिस्टर हो जाएगा। तो जो भी आप पासवर्ड डालोगे, डाल करके जब यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करोगे, टूल में ही रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो रजिस्टर हो जाएगा ईमेल आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल करके, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा और जो पासवर्ड आप डालेंगे तो उसे आपको अपने डायरी में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव अकाउंट पे चेक लगाएंगे तो ये आपका ऑलरेडी मतलब जो है सेव हो जाएगा। जब भी आप टूल ओपन करोगे तो कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, बार बार आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ सामने देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, इसे तो लॉगिन ये हो चुका है। और अभी मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग A20S, ठीक है। तो इस मोबाइल को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें बूट करा करके। तो यहाँ पे ऊपर में आप ऑप्शन देख रहे हैं, आप रीड इन्फो चेक करने के लिए है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल का इन्फो दिखाएगा, मोबाइल में सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन है क्या है वो सब दिखा देगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है ये है FRP अनलॉक करने के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल को नॉर्मल मोड में लगाना है आपको, मोबाइल को यानी कि ऑन करके लगाना है, ऑफ करके नहीं लगाना है या डाउनलोड मोड पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मोबाइल को ऑन कर देना है और लगा देना है, ठीक है। तो मोबाइल का यहाँ पे आपको टोटल चीजें दिखाई देगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे अभी क्रेडिट नहीं है जिसकी वजह से ये अनलॉक नहीं कर रहा है मोबाइल को, ठीक है, तो क्रेडिट डालेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टूल में अभी क्रेडिट नहीं डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप इस टूल को रजिस्टर करोगे तो आप हमसे क्रेडिट इसका ले सकते हो, क्रेडिट लेकर के आप मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो, खुद अपने से अनलॉक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि चाहे ये मोबाइल बाहर कंट्री का हो या इंडिया का हो, किसी भी कंट्री का मोबाइल रहेगा अनलॉक कर देगा, ठीक है। और मोबाइल आपका सैमसंग जो क्या कहते हैं ऑन करके लगाना है, सैमसंग USB मॉडम पोर्ट आपके डिवाइस में जिसमें शो करना चाहिए। और मोबाइल किसी भी कंट्री का रहेगा, चाहे बाहर कंट्री का रहे या इंडिया कंट्री का रहे, किसी भी मॉडल को ये अनलॉक कर देगा, ठीक है। और इस टूल को आपको कैसे डाउनलोड करना है और उसका क्या आगे क्या फीचर है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अगर इसकी वेबसाइट पे आना है तो यहाँ पे आपको ये टाइप करना होगा। इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं आप, मगमा टूल की वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है मगमा नेटवर्क अनलॉक टूल, ठीक है। तो ये नेटवर्क अनलॉक जो टूल है ये टूल अलग है और FRP टूल अलग है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको नेटवर्क अनलॉक टूल डाउनलोड करेंगे तो नेटवर्क अनलॉक का क्रेडिट लेना होगा और कंट्री कोड अनलॉक करने के लिए। अगर मान के चलिए अगर आपको FRP अनलॉक करना है न्यू मॉडल का तो मगमा FRP अनलॉक टूल आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो FRP टूल का क्रेडिट अलग लेना होगा और नेटवर्क अनलॉक का जो क्रेडिट है वो आपको अलग लेना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी जरूरत पड़े, मान के चलिए आपको FRP अनलॉक करना था, FRP टूल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में, आप उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ से क्रेडिट दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे किसी भी कंट्री का मोबाइल जो है ये सैमसंग का FRP अनलॉक कर देगा, ठीक है, चाहे वो इंडिया का रहे या बाहर कंट्री का रहे, कहीं का भी रहे, मोबाइल वो वन क्लिक में अनलॉक कर देगा इसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।